नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी पीरियड ऐसा समय है जब महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस वक्त उन्हें सिर्फ अपना ही नहीं अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। अब ख्याल का संबंध महिलाएं सिर्फ खानपान से रख लेती हैं, जबकि सिर्फ खानपान नहीं, खुद के शरीर की सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर आपके होने वाले बच्चे के शरीर पर भी पड़ता है, खासतौर पर सफाई प्राइवेट पार्ट एरिया की, जिसे आप जरा भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान डिस्चार्ज की परेशानी पूरा वक्त बनी रहती है। योनि में नमी और गीलेपन की वजह से इन्फेक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये इन्फेक्शन वक्त रहते रोकी ना जाए तो गर्भाशय तक पहुंच जाती है, जो मां और बच्चे की सेहत के लिए घातक हो सकता है। कई बार ये यूरिन इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं, इसलिए अपने अंडरगार्मेंट्स हमेशा साफ रखें। ज्यादा गीलेपन की परेशानी हो तो इसे बदल लें। कई बार प्राइवेट पार्ट से बदबू भी आती है, ऐसा इसी के चलते होता है, इसलिए लापरवाही ना बरतें और कॉटन के ही अंडरगार्मेंट्स पहनें। अंडरगार्मेंट्स धोने के बाद धूप में ही सुखाएं। अगर धूप में नहीं सुखा पाते तो इसे प्रेस जरूर करें। ऐसा करने से इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया खत्म होंगे। पूरे दिन में 2 से 3 बार ताजे और गुनगुने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करें। आपको साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। शैम्पू और साबुन पीएच लेवल के स्तर को बिगाड़ सकता है, जिससे जल्द इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा। साथ ही में खुजली, इरिटेशन की परेशानी भी हो सकती है। सफाई के लिए बेस्ट इंटीमेट वॉश का ही इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि सफाई के लिए सिर्फ साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। इस दौरान टाइट अंडरगार्मेंट्स ना पहने, क्योंकि इससे आप ना तो कंफर्टेबल रहेंगी और गीलेपन की परेशानी भी ज्यादा होगी। प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करें, इससे आप इन्फेक्शन से बची रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।